सो गाइस, वीडियो को पूरी देखनी है क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे अपने फ़ोन कैमरे के पावर को बिल्कुल DSLR में बदल सकते हैं। जी हाँ, और इसमें स्पेशली जो फीचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। जो आपके फ़ोन कैमरे में जो पावर्स होती है ना, वो ज़्यादा नहीं होता है। कंपनियाँ भी उसको लिमिट करके रखता है, क्योंकि अगर वो उसे बढ़ा देगा तो फिर उसे नेक्स्ट फोन में वो पावर जो है ना, मतलब वो कैसे फिर दिखाएगा। तो इसलिए आपको वो फीचर वगैरह नहीं देता है। लेकिन आप सबको पता नहीं होगा कि आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं दूसरे कैमरे में। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे DSLR कैमरे ऐप के बारे में जिससे कि आप DSLR वाली फोटो ले सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से। और ये फेक मत समझना, 100% रियल है, प्रैक्टिकल वीडियो है। एक बार इस वीडियो को देख तो लो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पहले दोस्तों आपको लाइक जरूर कर देनी है, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस सॉफ्टवेयर को ढूंढने में। और इसमें जो है कुछ हमारे डेवलपर ने भी इसको जो है कस्टमाइजेशन वगैरह किया। आपको सब्सक्राइब भी कर देनी है, पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे दोस्तों। और कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट DSLR ऐप, ये आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है? बेस्ट DSLR ऐप 2020, या फिर मतलब जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए बेस्ट ऐप। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं थोड़ा की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ़ोन में चाहिए होगा ये सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल आपको पैसे वगैरह यहाँ पे कोई नहीं लिया जाएगा, आपको ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर ये हमने ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल DSLR में जो फोकस पॉइंट होता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए ग्रिड, फिर ये फोकस पॉइंट जो होता है वो सब मिल रहा है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे आपको जो है फोकस, देखिए AF के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देख लो AF के मैंने ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कितने सारे फोकस पॉइंट दिख गए हैं। SAF, CAF, Pre-AF, तो मतलब ये जो सिनेमेटिक कैमरे में जो होते हैं ना वो फीचर, वो आपको आपके फ़ोन में मिल गया। ऑटो फोकस, इन्फिनिटी फोकस, ऑटो फोकस हेड, मतलब ह्यूमन को फोकस करने वाला। तो मतलब ये मानना पड़ेगा यार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपको AWB मिल जाता है, कलर वगैरह। कलर तो खैर नॉर्मल कैमरा जो होते हैं ना फ़ोन का, उसमें भी मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा यूनिक कलर आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेमिंग मिल जाता है, 10 सेकंड टाइमर जो काउंट होता है ना, आपने फोटो पे क्लिक किया 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक फोटो भेज आ जाए, तो आप इस पर क्लिक करिए और ले लीजिए फोटो। अब आपका यहाँ पे टाइम काउंट होता है 10 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी कहिए। तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओ सॉरी, ये अभी भी काउंट हो रहा है। तो देखिए ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। मैं इसको फोकस में लॉक कर देता हूँ, ये देख लो। इस पर क्लिक करोगे ना तो फिर आपको ये दिखेगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया हिस्टोग्राम ऑन। और यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें वगैरह मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेशियो वगैरह मिल गया, किस टाइप का आप में कैसे आप फ़ोटो लोगे। जैसे इसमें फोटोग्राफी में बहुत सारे नियम कानून भी होते हैं, तो वो सब वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोकस पॉइंट मैंने डाल के रखा है, इसमें फ़ोटो जो है बिल्कुल DSLR वाली आती है। और कैमरा रेजोल्यूशन, कैमरा भी आपको मिल जाता है यहाँ पे देखिए 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 9 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, जो भी आप फीचर लाना चाहो उस पर बस क्लिक कर दो। तो इससे इससे होगा क्या, आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे देखिए FX के ऊपर भी आपको मिल जाता है इफ़ेक्ट वगैरह, आप जो चाहो वो इफ़ेक्ट जो है वो लगा सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। और इसके साथ साथ मुझे अच्छी बात लगी कि नीचे आपको और भी कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग में यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें जूम वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। और सेटिंग के अंदर भी आप जा सकते हैं, सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे स्विच कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। फ्रंट कैमरे से भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप ले सकते हो। तो सेटिंग में देखिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो काम की बातें हैं सिर्फ वही आपको दिखी है, ठीक है? तो यहाँ पे इनेबल UI, GPS वगैरह आप चालू कर दोगे ना तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये फ़ोटो मैंने इस जगह पे लिया, GPS में ये पता चल जाता है। तो उसमें मुझे ये सब सारे फीचर अच्छे लगे DSLR के। ऑब्वियसली यार इसमें इतना सारा फीचर है, आपको
किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगा और इसको आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को पहले लाइक कर देनी है, ये देखो लाइक का बटन है, लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। दोस्तों कमेंट में आपको लिख देना है बेस्ट DSLR ऐप, ठीक है, आपको ये कमेंट कर देनी है। और चलिए दोस्तों हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।